गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 की बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास, 6वां ऑनलाइन क्लास होना है। इसमें ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक चल रहे थे क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और लेक्चर आज 6वां लेक्चर होगा। पिछले टर्म पे मैंने मेल सेक्सागन एंड्रोसियम का डिटेल्स मैंने दिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा पिछले लेक्चर पे मैं समरी देता हूं, सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेल सेक्सागन वहां पर एंड्रोसियम था, एंड्रोसियम की यूनिट स्टॉमेन की, जिसको पंकेसर कहा जाता है। फिर स्टॉमेन को मैंने उसके पार्ट्स बताया था, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव संयोजी, ये तीन पार्ट स्टॉमेन के थे। उसके बाद हमने एंड्रोसियम का जो ऊपर वाला भाग एंथर था, एंथर की बात किया था मैंने। एंथर को मैंने बताया था कि दो पॉली का बना होता है, दो लोब उसमें होते हैं और इस दो लोब में मैंने बताया था कि प्रत्येक लोब में दो दो पालियां, दो दो चैम्बर होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है या पॉलन सेल कहते हैं या अंथर से कहा जाता है। इस तरह से कुल 4 पॉलन चैम्बर थे और प्रत्येक पॉलन चैम्बर में मैंने बताया था कि पॉलन चैम्बर का जब हम क्रॉस डिसेक्शन करते हैं, ट्रांसवर्स डिसेक्शन करते हैं, इनकी कोशिकाएं होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें अंदर विभाजन की क्षमता होती है। उसमें मैंने बताया था कि एक कोशिका उसकी वेल मॉडिफाई हो जाती है, जिसका केंद्र बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी कोशिका को हाइपोडर्मल सेल या आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। ओके, फिर आर्चिस्पोरियल सेल में माइटोटिक सूत्र विभाजन हुआ था। इस माइटोटिक डिवीजन से दो सेल बनी थी, एक प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी माइक्रोस्पोरिनस सेल बनी थी। प्राइमरी पैराइटल सेल में अगेन डिवीजन होता है और इस डिवीजन से एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेक्टम का निर्माण हुआ था
और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल से प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल से प्राइमरी पॉलन मदर सेल का निर्माण हुआ था। मैंने बताया था कि एंडोथीसियम मिडिल लेयर 3 से 5 लेयर मोटी होती है जो बाद में डिस्चार्ज आती है, जो पॉलन मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। टैपिटम का भी यही काम है। टैपिटम का एक काम और होता है कि पॉलन सेल या परागकण जिसको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, उसके अंदर बीच में जो बंद होता है कैलस बॉन्ड, कैलोस बॉन्ड को तोड़ने का काम भी करती है टैपिटम। ओके, अब पॉलन मदर सेल, बहुत सारे पॉलन मदर सेल बनती हैं जो डीजनरेट हो जाती है और डीजनरेट होकर के ये भी न्यूट्रिशन प्रदान करती है। उसमें से एक फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल या सॉरी माइक्रो स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, फंक्शनल पॉलन मदर सेल बचती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिवीजन होता है और डिवीजन करके कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होती है, चार प्रकार की सेल बनती है। ये चार प्रकार की सेल इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, जिससे प्राकण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इस प्राकण को मेगा स्पोर भी कहा जाता है। अब ये पॉलन चार के द्वारा प्राकण बनेंगे, मैंने चारों प्राकण के बारे में बताया था, ये टेट्राड कंडीशन होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग होता है। आइसोबायलेटरल, आइसोबायलेटरल टेट्राहेड्रल, लीनियर टी शेप्ड पोलोनियम कंपाउंड, ये सारा अरेंजमेंट मैंने बताया था किस तरह से। उसके बाद मैंने कहा था कि माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल का जो डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सक्सेसिव होता है, एक साइमल्टेनियस होता है। सक्सेसिव में क्या होता है, पहले कोशिका का विभाजन होता है, फिर केंद्र का विभाजन होता है, जो मोनोकॉटिलेडोनस यानी कि पत्ती पौधे में पाया जाता है। और साइमल्टेनियस में क्या होगा, पहले केंद्र का डिवीजन होगा, केंद्र जब डिवाइड हो जाएगा उसके बाद सेल का डिवीजन होता है या द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। उसके बाद में गैमेटोफाइट या परागकण के बारे में बताया था कि परागकण अति छोटा सा पार्ट होता है और इसका सेल होता ओवल या ग्राउंडेड होता है या दो परतों से घिरा होता है। बाहर की परत को एक्साइम कहा जाता है, अंदर वाली परत को इंटाइम कहा जाता है। एक्साइम होती है स्पोरोपोलेमिन नामक पदार्थ का बना होता है जो फैटी नेचर का होता है। इससे इसमें फिनालिक फिनालिक रिंग भी पाई जाती है। यह बाह्य वातावरण से इस प्राकरण का को रेजिस्ट करता है और मतलब से सुरक्षा करती है। एक्साइम के अंदर वाली इसमें एक्साइम में एक स्थान पर पॉलन पोर का निर्माण होता है जहाँ से पराग नालिका बाहर निकलेगी। एक बीज पत्री पौधे में एक पॉलन पोर पाया जाता है, अधिक पत्री पौधे में 3 पॉलन पोर का निर्माण होता है। उसके बाद इंटाइम से नीचे आती है। इंटाइम में मैंने कहा था यह इंटाइम पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, ये साफ होती है और इससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पॉलन ट्यूब जो होते हैं कहाँ निकलते हैं, ये पॉलन ट्यूब आपके पॉलन पोर से बाहर आते हैं। उसके बाद मैंने इसमें बताया था कि जो परागकण की सेल है न्यूक्लियस है यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बड़ा होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस छोटा होता है। उस समय बाद जनरेटिव सेल और जनरेटिव सेल परागकण के इंटाइम से अटैच हो जाता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म बन जाता है, जमा हो जाता है
अब इसे वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। फिर ये वेजिटेटिव सेल एंजाइम से अलग होकर के प्राकरण के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और ये काम होता है ये डेहिसेंस यानी स्पुटन इस माइक्रोस्पोरियम में जब प्राकरण आता है उसी के अंदर होता है। उसके बाद बहुत सारे पौधे में पराग नालिका जब आपके आप जब मेल फ्लावर के जायाम में जब प्रवेश करती है तो वहां पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वेजिटेटिव सेल जो होती है वो दो भागों में बट डिवाइड हो जाता है। दो गैमेट्स बनते हैं मेल गैमेट्स दो गैमेट्स बनते हैं और ये गैमेट्स आगे चल करके फीमेल फ्लावर में क्या होते हैं के अंदर प्रवेश करके फीमेल एग को क्या करते हैं फीमेल एग को फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ से मैंने बता दिया तीसरे टर्म पे मैंने डायनोसियम शुरू किया था। डायनोसियम को स्त्री कहा जाता है डायनोसियम को स्त्रीलेशन भी कहा जाता है। ओके अब देखिए मैंने फिर यूनिट इसकी बताया था यूनिट कार्पेल अंडक कहा जाता है या एक अंडक भी आपका बाइकार्पेलरी मोनोकार्पेलरी और बाइक का मल्टीकार्पेलरी कार्पेलरी भी हो सकता है। मोनोकार्पेलरी का मतलब कि वह जायाम जिसमें केवल एक कार्पेल पाया जाता है। बाइकार्पेलरी का मतलब वो होता है कि जिसमें दो कार्पेल पाए जाते हैं। मल्टीकार्पेलरी का मतलब ये होता है जिसको बहुमंडल भी कहा जाता है जिसमें उसमें दो से अधिक कार्पेल पाए जाते हैं। ठीक है ना ओके ये मैंने बता दिया था। अब हेडिंग आ गई है पार्ट ऑफ कार्पेल क्या होता है पार्ट ऑफ कार्पेल। देखिए ये अभी सेक्शन देखने के लिए बताता हूँ मैं कौन सा पार्ट ऑफ कार्पेल। ओके पार्ट ऑफ कार्पेल ये देखिए ये पार्ट स्टिग्मा ये जो लंबा का संरचना इसको स्टाइल करते हैं और ये चौड़ा वाला भाग इसको ओवरिंग करते हैं। ओके अंडाशय और ये थैलमस से लगा होता है। पहला पार्ट क्या होगा स्टिग्मा दूसरा पार्ट क्या होगा स्टाइल और तीसरा पार्ट क्या होगा ओवरी। इसको वर्तिकार कहते हैं वर्तिकार कहा जाता है इसको वर्तिका कहते हैं। ओके और इसको अंडाशय कहते हैं। ये आपका तीन पार्ट आपका कार्पेल का है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये इसके अंदर ओवरी में मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा ओवरी के अंदर जो होता है एक ओवूल होता है बीजांड होता है और इस बीजांड ठीक है ना ये स्टिग्मा पे प्राकरण करके चिपकता है इसे प्राकरण भेज सकता है। स्टाइल प्राग नालिका को मार्ग प्रदान करता है। ओवरी इसका मेन पार्ट है ओवरी जिसको इसके अंदर ओवूल पाया जाता है। राइट डाउन राइट ओके लिख लिया नोट करके लिख लीजिए। लिखिए कि नोट करके लिखिए इन ओरी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म विच इज known as
निर्धारण करते हैं। बीजान करते हैं इसको, ओके। अब मेन पॉइंट इसका जो मेन ये जो इसका कार्पेट का जो मेन पार्ट ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या बीजान मिल गया है ना, बीजान में इसी के अंदर सब कुछ होना है, इसी के अंदर सारा फिनोमेना है, यहीं पे फीमेल एग का निर्माण होगा, ओके। चलिए और हेमिनाइज है स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल आई, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल structure of ovule okay ye yeah. structure of ovule ya ka ek minute abhi main describe karta hu isko स्ट्रक्चर ऑफ ओवल ये जो आपको एक निकली हुई संरचना दिखाई देती है इसको फ्यूमी प्लस कहते हैं, फ्यूमी प्लस कहते हैं, और ये आपका जो अंदर वाला पार्ट है इसको न्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस। यहां पे ये टेगमेन है, टेगमेन इसको हम बीजांड परत कहते हैं, ये माइक्रोपाइल है और ये हाइलम है, अभी बताता हूं हाइलम है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मेल एंड फीमेल एंड्रोफाइट कहते हैं। ये बी का एम्ब्रियो साइट, एम्ब्रियो साइट है ये, एम्ब्रियो इसको चला जाए कहते हैं, चला जा और इसको एंटीकोडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोडल। ये आपका बीजांड है, बीजांड ओवरी से जुड़ा होता है इसके द्वारा, फ्यूनिकुलस द्वारा, और ये फ्यूनिकुलस बीजांड से जहां पे जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं। यहां पे बीजांड के अग्र भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइलम कहा जाता है। बीजांड के मध्य में बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। इसी के अंदर फीमेल एग का निर्माण होना है, और बीजांड जो होता है दो परतों से घिरा होता है, बीजांड आवरण इसको कहते हैं जिसको टेगमेन कहा जाता है, और बीज की जो संरचना बीजांड की होती है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। जहां से आपका टेगमेन प्रारंभ होता है उसको चलाजा एंड कहते हैं, और जहां से ये आपका बीजांड परत या टेगमेन जहां पे समाप्त होती है इसको एंटीपोडल एंड कहा जाता है, ओके। एंटीपोडल एंड कहा जाता है, ओके। इसको बना लीजिए, एक एक करके मैं बताऊंगा
इसको राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, इसको भी जानना जाता है। ओके चलिए आइए, अब देखिए मैं एक एक करके इसका मतलब बताता हूं। पहला है फ्यूनिकुलस, क्या होता है फ्यूनिकुलस? इट इज स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बीजान टू ओवरी, इट इज स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट ओवर टू ओवरी, यह बीजांग को वरी से जोड़ने का कार्य करता है, जिसको नोन एज फ्यूनिकुलस। और न्यूसिलस हाइलम का है, इट इज पोर्शन ऑफ बीजांग, इट इज पोर्शन ऑफ ओवल वेयर फ्यूनिकुलस अटैच, वेयर फ्यूनिकुलस अटैच, वेयर फ्यूनिकुलस अटैच, राइट डाउन, बहुत सिंपल है। ओके आइए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब माइक्रोपाइप 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 क्या होता है? इट इज एन कैरियर या अन्य भाग है, इट इज एन कैरियर part of ovum from their pollen to enter into ओवल, इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ ओवल फ्रॉम देयर पॉलिन ट्यूब इंटर इनटू ओवल, यहां से प्राग नलिका क्या होगी ओवल के अंदर क्या होगी पेनिट्रेट करेगी, ओवल के अंदर क्या होगी प्रवेश करेगा। ठीक है अगला पॉइंट है न्यूसिलस It is middle portion of ovum which is meristematic in nature which take part in formation of embryo cell, which is take part in the formation of embryo cell, मतलब क्या हुआ? It is a major portion of ovum या बीजांग का मध्य भाग है, which is meristematic in nature, जो विभोजकोत्तक नेचर का होता है, इसका मतलब यह उत्तक ऐसा होता है जो डिविजिबल होता है, जो डिवाइड करता है,
विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट, न्यूक्लियस की कोशिकाएं आगे चलकर के विभाजित होकर के एम्ब्रियोसाइट या भ्रूण कोश का, भ्रूण कोश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का, एम्ब्रियोसाइट को भ्रूण कोश कहते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गायनोसियम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि यहीं पर फीमेल एग का निर्माण होना है। ओके, ये बात समझ में आ गई। आइए टेगमेन क्या होता है, टेगमेन इट इज कवरिंग ऑफ एम्ब्रियोसाइट विच इज डबल लेयर इन नेचर। दिस कंडीशन इज नोन एज बाइकेरी। एक्सेप्शन में देखिए सूरजमुखी और गेंदा इन सन फ्लावर पहली पानी इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, गेंदा इट इज यूनिकलिंक्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, सूरजमुखी और गेंदा में यह परत केवल एक परत होती है, दो परत नहीं पाई जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं यूनिक टेगमेंट कंडीशन, यूनिक का मतलब एक होता है। ओके ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन इन चंदन एंड लोरेंथस लोरेंथस इट इज नॉट इट इज ए टेगमेंट मीन्स टेगमेंट इज अब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ए टेगमेंट का मतलब इसमें कोई भी पर्ण नहीं पाया कि इसमें चंदन एंड लोरेंथस प्लांट है, टेगमेंट इज अब्सेंट। ओके, इट इज ऑल अबाउट टेगमेंट। अब मैं आता हूं चलाजा क्या होता है और एंटीकोडन एंड क्या होता है। चलाजा क्या है, इट इज ये आपका ओवल के पीछे वाला भाग है, इट इज पोस्टेरियर
इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कोहूल फ्रॉम द टेग्मेन इज ओरिजिनेट। यहां से टेग्मेन जो परत होती है बीजांड एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो परत पाई जाती है ये यहां से ओरिजिनेट करती है न्यूक्लियस से, जहां से ये टेग्मेन क्या होती है ओरिजिनेट करती है प्रारंभ होती है बनती है जहां से उसको चला जा हम कहते हैं ओके और ओके राइट डाउन। अब देखा जाए बहुत एंटीपोडल एंड एंटीपोडल एंड इट इज अ पोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ ओवल या ओवल का अग्र भाग है जहां पर टेग्मेन का भी समाप्त होती है जहां पर टेग्मेन का भी एंड होती है। इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ ओवल वेयर टेग्मेन एंडेड, जहां टेग्मेन समाप्त होती है उसको एंटीपोडल एंड कहा जाता है। ओके इट इज ऑल अबाउट ओवल। अब आते हैं ओवल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एम्ब्रियो सैक का। इसकी एम्ब्रियो सैक कैटी ला लीजिए, एम्ब्रियो सैक जिसको भ्रूण कोश कहा जाता है, ठीक है, इसको फीमेल गैमेटोफाइट, या मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। मेगा मतलब देखिए माइक्रो टर्म मेल सेक्स ऑर्गन में आया था, वहां मेगा माइक्रो स्पोरेंजियम कहा गया था पोलन चैंबर को, यहां पे फीमेल के लिए टर्म कहेगा मेगा, ठीक है ना। ओके तो मेल फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेगा स्पोरेंजियम। अब आइए इस बारे में लिखा है फोटो लिख लीजिए, देखिए इट इज मेन ऑर्गन ऑफ ओवल वेयर इट इज मेन ऑर्गन ऑफ ओवल वेयर female egg is formed, यहां पे female egg का निर्माण होगा। ओके लिख लीजिए। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो साइट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो साइट, हिंदी में कहा जाएगा भ्रूण कोश का निर्माण।
यहाँ ये न्यूक्लियस आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, कहाँ तक पाया गया था? ओके न्यूक्लियस पाया गया तो ओवल के अंदर ये न्यूक्लियस की कोशिकाएं मेरिस्टमेटिक होती है। अब देखिए अगले पोर्शन में क्या होगा, ये न्यूक्लियस की कोशिकाएं जो होगी वो आपकी काफी डेवलप हो जाएंगी, काफी क्या हो जाएंगी, एक न्यूक्लियस की, एक न्यूक्लियस की सेल वो काफी विकसित हो जाएंगी, जिसका केंद्रक बड़ा और क्या हो जाएगा और उसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा, इसको कहा जाएगा हाइपोडर्मल सेल या इसी का दूसरा नाम आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल और आर्चिस्पोरियल सेल। अब देखिए आगे क्या होगा, इस हाइपोडर्मल सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे जो आपकी सेल बन जाएंगी, क्या हो जाएगी, जिससे जो विकसित सेल बन जाएंगी, जिससे दो सेल का निर्माण हो जाएगा, ओके ओके, इस तरह से यह आपका प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और ये दूसरा जो हो जाएगा प्राइमरी मेगा स्पोरोजिनस सेल। जब मैं माइक्रोस्पोरोजिनस बता रहा था तो मैंने वहां पे माइका प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहा था, प्राइमरी मेगा मेगा स्पोरोजिनस सेल, ये दो सेल बन गए। अब आगे क्या होगा, प्राइमरी मेगा स्पोरोजिनस सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या होगा, माइटोटिक नहीं मियोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस होगी। तो यहां पे देखिए ये चार, एक मियोसिस से चार सेल का निर्माण होता है, पहला सूत्री विभाजन से दो सेल बनेगी, फिर अर्धसूत्री विभाजन का, फिर क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा, जहां पर भी आपकी मियोसिस होगी उसके बाद फौरन एक माइटोसिस भी होगी, माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या, माइटोसिस में सूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अच्छी ध्यान रखिएगा, जहां पर भी मियोसिस होगी, मियोसिस से दो कोशिकाएं बनेंगी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी, और इन कोशिकाओं में पुनः क्या होगा, माइटोसिस होगी, सूत्री विभाजन होगा, ये चार बन गई कोशिका, ये चार कोशिकाएं आपकी क्या होंगी, अब इसको हम कहेंगे मेगा स्पोर, क्या कहेंगे, मेगा स्पोर, अब इसको क्या कहेंगे, ये मेगा स्पोर हो गया, क्या हो गया, ये मेगा स्पोर हो गया, यानी ये फीमेल एग हो गया, इस क्रिया जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बाय मियोसिस, ओके। अब मेगा स्पोर चार गुना है, चार मेगा स्पोर में से एक तीन मेगा स्पोर डिजेनरेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, अब जो बचेगा देखिए एक मेगा स्पोर बन जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, ये चार आपके तीन क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए, क्या हो गए, तीन डिजेनरेट हो गए, तो मैं यहां लिख रहा हूं थ्री मेगा स्पोर डी जनरेट, यानी ये नष्ट हो गए, ये तीन मेगा स्पोर डी जनरेट हो गए, क्या हो गया, डी जनरेट हो गए, डी
जनरेट हो गए और एक मेगा स्कोर ये बच गया, इसको जो बड़ा ये डेवलप करेगा इसको क्या कहा जाएगा, फंक्शनल, फंक्शनल मेगा स्कोर। ओके, ये फंक्शनल मेगा स्कोर, यही फंक्शनल मेगा स्कोर आगे चल करके एम्ब्रियो सेल का निर्माण करेगा। कैसे करेगा मैं कुछ चीज आपको अभी बताता हूं। ओके, यहां पे आइए एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज न्यूक्लियस, ये भ्रूण ओवल है, बीजांड है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की एक सेल को आपको पता था मेरिस्टेमेटिक होती है, विभोज्योतक होती है। इसकी एक कोशिका अत्यधिक विकसित होकर के बड़ी हो जाती है जिसको हाइपोडर्मल सेल या फोलियल सेल कहते हैं। ये हाइपोडर्मल सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, सूत्री विभाजन से ये दो कोशिकाओं में बदल जाएगी। एक का नाम होगा प्राइमरी मेरिस्टेम से, दूसरे का नाम होगा प्राइमरी मेगास्पोर मदर से। अब इसके अंदर मेगास्पोरजेनेसिस होगी मियासिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। इसमें इसके अंदर प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस से चार मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे। किससे, प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल से, जिससे आपकी क्या होगी, मेगास्पोरजेनेसिस होगी। इसके अंदर विभाजन होगा, चार आपकी सेल बन जाएगी, इन चारों सेल में गुणसूत्रों की संख्या एन हो जाएगी, जिसको मेगास्पोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मेगास्पोर। इन चार मेगा स्पोर में से तीन मेगा स्पोर डिजनरेट कर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये डिजनरेटिंग मैंने दिखाया है, और ये का एक बड़ा मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप होकर के अपने आकार में वृद्धि कर लेगा, जिसे फंक्शनल मेगा स्पोर कहा जाता है। इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से आपका क्या होगा, आपका भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। ओके, चलिए इसको आप बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूं। बहुत इसको सेक्वेंशियल आप समझेंगे, मैं समझता हूं कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और है, हम लोगों को उत्साह एक्साइटमेंट के लिए एक आप दया कर दीजिएगा कि वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी वीडियो यूट्यूब पे रन कर रही है, तो सब्सक्राइब कमेंट्स लाइक से उस वीडियो की क्रेडिट क्या होती है आप बढ़ती है। तो मैं सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जो भी आप वीडियो एसएनबी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस की देखें, उसको अपने सर अपने विद्यालय के एक्साइटमेंट के लिए को कैलोरीफाई करने के लिए ये दो तीन काम करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इतनी मेहरबानी कर दिया करिए। ओके, ठीक है, अब देखिए चलिए अगली पॉइंट, मैं उसी को आगे लेकर चलता हूँ, जैसे मैं रफ करता हूँ और फिर मैं आता हूँ इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर बनाता हूँ, फिर कि ये स्ट्रक्चर आगे जाना है। ये आपका फंक्शनल मेगा स्कोर क्या है, फंक्शनल मेगा स्कोर। अब यहां पे सूत्री अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, अब इसमें क्या होगा, सब के सब आपके क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, सूत्री विभाजन होंगे। देयर इज नो मियोसिस फॉर्म्ड हियर आफ्टर दिस। तो ये आपका बी, ये आपकी मेगा स्कोर, इसमें ये दो कोशिकाएं ये इसका केंद्र डिवाइड होकर के दोनों एंड पर क्या हो जाएगा, अपने अपने एंड पे इधर इधर चला आएगा। ठीक है, ये आपका डिजनरेटिव मेगा स्पोर है। इसके बाद फिर इसके बाद इसमें एक डिवीजन आपका
फिर आपका होगा यहाँ एक से दो हो जाएगा और यहाँ भी एक से दो हो जाएगा। ओके, यहाँ से फिर इसके अंदर क्या होगा, फिर इसके अंदर सूत्र विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, दो से चार हो जाएगा, इसमें दो एक होगा दो बनेगी, इसमें एक होगा दो बनेगी, दो दो चार हो जाएगा, चार से ऊपर बन जाएगी और चार से क्या हो जाएगी आपकी नीचे बन जाएगी। ओके, ये चार से नीचे हो जाएगी। आप देखिए ये आपका जो लास्ट कंडीशन बता रहा हूं, ये इसको आप समाप्त कर दीजिए, ये डिजनरेट हो गया। ये तीन कोशिकाएं न्यूक्लियस, यहां पे तीन न्यूक्लियस, ये इधर तीन न्यूक्लियस, इधर एक, यहां से एक न्यूक्लियस, यहां से एक न्यूक्लियस यहां पे चला जाएगा, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है ना, दोनों फ्यूज कर जाते हैं, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और ये तीन कोशिकाएं यहां बन जाएगी, कोशाधिपति यहां पे जमा हो जाएगी, तीन कोशिकाएं इधर होंगे, तीन कोशिकाएं इधर होंगे, इसमें से एक कोशिका जो होगी वो आपकी फीमेल एग की तरह कार्य करेगी, और ये इट इज क्या है, इट इज एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट हो गया, ये कोशिकाएं होती हैं चला जाती है, वो जो होंगी उसको ये चला जाए, क्यों तीन है, तीन कोशिकाएं ऑर्डर क्यों है, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है, क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहां पे एक जो होगी आपका फीमेल है वो क्या होगी, ये फीमेल है, और दो जो होंगी ये साइनर्जिक होगी, क्या होगी, साइनर्जिक सेल होंगी, और ये साइनर्जिक सेल जो होती है ना फीमेल एग को क्या करती है, सहायता करती है, ये सहायक कोशिकाएं है, इसका फंक्शन अननोन है, अननोन फंक्शन क्या है, जो तीन कोशिकाएं चला जाए की तरफ है, चला जाए की तरफ मतलब जहां से आपका टेग्यूमेन आपका जनरेट करता है, अननोन फंक्शन, अननोन फंक्शन ये चला जाएंगे, क्या है, चला जाएंगे, और ये आपका एंटीकोडल एग है। ओके, इस तरह से एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो गया। एम्ब्रियो सैक जो होता है एक बड़ा पॉइंट है, इसमें आपका पॉइंट है, इसमें बताइए केंद्र कितने हैं, हाउ मेनी केंद्र फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो सैक प्लेस, बताइए कितने, काउंट करिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, क्या है, एक न्यूक्लिएटेड, क्या है, एक न्यूक्लिएटेड एंड सेल कितनी बताओ, बहुत मेरी सेल फॉर्म एम्ब्रियो सेल, एक दो तीन, ये एक सेल मान लीजिए, चल ये बाई न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस तो लेकिन कोशिकाएं थे, तीन और चार चार हो गया, पांच छह सात सेवन सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेवन सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपका जो एम्ब्रियो सैक है, एक न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल स्ट्रक्चर है, बहुत बार सवाल ये नीट में पूछे गए हैं, इट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का निर्माण, भ्रूणकोश का निर्माण कैसे हुआ, मैंने बहुत ही डिटेल आपको बता दिया है, मैं समझता हूँ कि मेरे जो लेक्चर मैंने दिया है उसके आधार पर आप इसको नोट्स अपना बना लेंगे। ओके ओके, आगे चलो, चलो ठीक, अब इसको रफ कर देता हूँ, चलिए एक सवाल मैं ही पे आपके ये मैं देता हूँ, देखिए क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ ओवल इज, ओवल इज द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक इज, ठीक है, मैं क्या कहा, एट न्यूक्लिएटेड, एट न्यूक्लिएटेड एंड एक्स
एक्सेलेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दूसरा है एक न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल स्ट्रक्चर, चौथा तीसरा ऑप्शन है कुछ भी डाल दीजिए सिक्स न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल स्ट्रक्चर और चौथा ऑप्शन आसानी के बना दीजिए ना देखो नन ऑफ द अबव बताओ अब विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट बताइए। मैं समझता हूं कि आ सेकेंड ऑप्शन में भी ट्रू ओके सही है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सेकेंड क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। सेवन से सेवन न्यूक्लिएटेड सॉरी सॉरी एट न्यूक्लिएटेड है सेवन सेल स्ट्रक्चर ओके ठीक। चलिए इसको आप अलग परेशानी वीडियो को बाय करके इसको आप ले लेंगे। एक सवाल और मैं देता हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है कि ओवल ऑफ लोरेंथस इज, लोरेंथस इज ऑप्शन एक है बाई टेंट बाई टेंट बाई टेंट, दूसरा है यूनिटेंट, तीसरा है एटेंट और चौथा है नन। बोलो बोलो स्टूडेंट विच ऑप्शन इज राइट, विच ऑप्शन इज राइट ओवल ऑफ लोरेंथस इज बाई टेंट यूनिटेंट और एटेंट लगाओ किसने थे ओके ठीक। थर्ड ऑप्शन इज राइट, इसे मैंने बताया है चंदन और लोरेंथस का ओवल जो होता है वो एट एडमिट होता है उसमें कोई बीजावर नहीं पाया जाता है। तो ये आंसर आपका ओके। चलिए अब देखिए आपने एक मेगा एस्ट्रोजेनेसिस एक हेडिंग डाली पीछे बता चुका हूं मेगा स्पोरो जिनेसिस का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है गुरु, गुरु बीजाणु जनन हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जनन, गुरु का मतलब बड़ा होता है गुरु बीजाणु। फीमेल के लिए वर्ड गुरु इस्तेमाल किया गया हिंदी में और मेल के लिए लघु बीजाणु जनन हो जाएगा वहां पे गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है देखिए फंक्शनल फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगी मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो ये मेगा स्पोर बन जाएगा मेगा स्पोर व्हिच इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर का मतलब होता है ये फीमेल गैमेट है भाई, फीमेल गैमेट फीमेल एग है ओके। तो फंक्शनल मेगा स्पोर से मियोसिस द्वारा सॉरी फंक्शनल फंक्शनल स्पोरोजेनेसिस से
प्राइमरी सॉरी प्राइमरी स्पोरो मेगा स्पोरो जीनस सेल, मेगा स्पोरो जीनस सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजांग या मेगा स्पोर का निर्माण क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस या ग्रुप बीजांग जन्म कहलाता है। ग्रुप बीजांग का मतलब क्या होता है? फीमेल एग फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एग बाय फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एग फ्रॉम प्राइमरी मेगा स्पोरोजेनेस सेल बाय मियोसिस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरो फ्रॉम प्राइमरी मेगा स्पोरोजेनेस सेल बाय मियोसिस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, इट इज आपने मेल एग बना लिया, फीमेल एग बना लिया, अब क्या होता है? अब मेल एग को जाना है कहां पे? फीमेल एग के पास। मेल एग को कहां पे जाना है? फीमेल एग के पास जाना है। कैसे जाएगा? इसी क्रिया को तो परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहता है? पॉलिनेशन। क्या कहता है? पॉलिनेशन इसी को कहा जाता है कि मेल एग का फीमेल एग के पास परागण का मेल और फीमेल आर्गन के पास पहुंचना पॉलिनेशन का परागण कहलाता है। क्या कहता है? परागण कहा जाता है। ओके, ये क्या होता है? इसकी डिफिनेशन क्या होगी? क्या होगी बताओ? परागण का मादा पुष्प के जायांग पर पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण का या नर पुष्प से परागण का मादा पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर जाना, स्टिग्मा पर जाना पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता? पॉलिनेशन। तो आप लिख लीजिएगा ट्रांसफर ऑफ, देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम 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 इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन अब आइए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का होता है स्वपरागण, स्वपरागण इसका है पर परागण। ओके, ये स्वपरागण पर परागण ये दो है। अब पहले लिखना लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इसके लिए पुष्प क्या होना चाहिए? फ्लावर कैसा होना चाहिए अभी बताऊंगा। फ्लावर ये इसके लिए बाइसेक्सुअल होना चाहिए,
बाइसेक्सुअल यानी मोनोसियस, मोनोसियस द्विलिंगी होना चाहिए, फ्लावर द्विलिंगी मतलब नर और मादा जननांग दोनों को होना चाहिए, शर्त है, शर्त होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन उन पौधों में पाया जाता है जिस पौधों के पुष्प, जिस पौधों का जो पुष्प होता है बाइसेक्सुअल होता है, यानी वह फ्लावर जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, कहा जाता है कि जब एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ओके, तो क्या होगा डिफिनेशन एक बार फिर, जब एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होता है या जाता है, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन सेल स्टिग्मा और ऑन अदर फ्लावर स्टिग्मा, अदर फ्लावर स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट, सेम फ्लावर स्टिग्मा। क्या डिफिनेशन हुई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन सेम फ्लावर स्टिग्मा और ऑन अदर फ्लावर स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन ओके। अब आइए टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ये तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहला होते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। दूसरा है क्रिस्टोगेमी और तीसरा है जीनोगेमी। ये क्या होते हैं बताऊंगा, ऑटोगेमी, क्लेस्ट्रोगेमी और जीनोगेमी। ओके, ऑटोगेमी, क्लेस्ट्रोगेमी, जीनोगेमी, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे मान लीजिए फ्लावर आपका है, ये फ्लावर आपका है बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ये आपका, ये देखिए ये आपका पुमंग है, एंड्रोसियम है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका ये स्टाइल की इसमें छोटी होगी और ये जो ना जो आपका स्टॉमेक है, फिलामेंट है, ये फिलामेंट नहीं होगा, इस कंडीशन को कहते हैं सेसाइल एंड्रोसियम। इस तरह से एंड्रोसियम आपके क्या होंगे लगे होंगे, स्टिग्मा भी आपके क्या होंगे स्टाइल इसमें छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, यानी दोनों भी इस तरह से क्या होंगे एंड्रोसियम और गायनोसियम क्या होंगे पास पास इस तरह से होंगे, इस तरह से आपके लगे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये सेसाइल, सेसाइल का मतलब क्या होगा अग्रिंग, सेसाइल का मतलब होता है अग्रिंग, जिसमें स्टिग्मा आप स्टाइल ना हो और उसके बाद एंड्रोसियम में स्टॉमिक में फिलामेंट ना हो, जिसके कारण मेल और फीमेल फ्लावर बिल्कुल पास पास होते हैं, जिससे आसानी पूर्वक परागण स्टिग्मा पर क्या होता है यह ट्रांसफर हो जाता है, इसको ऑटोगेमी कहते हैं। इन सेसाइल बाइसेक्सुअल प्लांट ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा टू
transfer of point rate to sigma is known as autogamy. The general autogamy. In sessile, the flower. इन सेसाइल फ्लावर का मतलब होगा वह फ्लावर जिसमें स्टामेन में फिलामेंट अब्सेंट होता है, जिसके कारण स्टिग्मा और पॉलन चैम्बर एंथर बिल्कुल पास पास होते हैं, जिससे आसानी पूर्वक आपका प्राक्तन पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, उसे ऑटोगेमी कहा जाता है। इन सेसाइल फ्लावर ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा स्टिग्मा इज नोन एज ऑटोगेमी नोन एज ऑटोगेमी इन सेसाइल फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज नोन एज ऑटोगेमी। सेसाइल का मतलब समझ गए ना, जिसमें स्टामेन में फिलामेंट ना हो, जिससे फिलामेंट और ओवरी में स्टाइल ना हो, जिससे स्टिग्मा और पराग स्टिग्मा और एंथर परागकोष बिल्कुल पास पास हो, जिसके कारण आसानी पूर्वक ये आपका परागकण आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।